यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक बात, तुम लोग के पासपोर्ट टिकट्स और डॉलर्स का इस तरह छिन जाना बहुत दुख हुआ है मुझे। लेकिन दुर्दाना देखो ना, तुम दोनों के वापस आने से मेरे घर की रौनक बहाल हो गई। मैं बहुत टेंशन में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब मेरा मूड सही हो गया है। जी आंटी, लेकिन हमने कौन सा हमेशा के लिए रहना है यहाँ पे? लेकिन कोई बात भी नामुमकिन नहीं होती, हमें नहीं मालूम किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मास, तुमने अपने दोस्त से बात की, केस की क्या प्रोग्रेस हुई है? मामा, मैंने उससे बात की थी, उसने एसएचओ को भी ताकीद की थी, मैं आपके सामने कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, पूछो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, बात कहाँ तक पहुँची है। वैसे हमने एम्बेसी मेल कर दी है, लेट्स सी क्या जवाब आता है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। हाँ सर, कुछ पता चला है पासपोर्ट्स का? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास चक्कर लगा दूँ। क्या, कब? अच्छा मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर मुझे डिटेल्स देना। ओके। क्या हुआ मां, सब खैरियत तो? तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मामा, नूर के वालिद फसी साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? ला खैर करे, कैसी तबीयत है अब उनकी? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें उनको जाके देखना चाहिए। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाना तो चाहिए। नायला, जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा होता है, इट्स कॉल्ड कार्मा। ऐसी बातें मत करो, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। नायला, यू आर अ गुड हार्टेड वुमन, मगर मैं कभी माफ ना कर पाती। हम कौन होते हैं माफ करने वाले, माफ तो अल्लाह करता है।